Subscribe and press the bell icon to never miss another update from Nilesh Satvi Smart Education. Friends, तो आज मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है. तो कुछ ऐसे नंबर्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हम बहुत कम समय में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. आज मैं दो नंबर लेने वाला हूँ, एक है 5 और दूसरा है 11. सो 5 से किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक है, वो यूज़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में हम किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एकदम इजी है. हमें क्या करना है कि हमें 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है, वो नंबर को 2 से डिवाइड करना है. कैसे करते हैं देखिए, 132846 इंटू 5 करना है. हम क्या करेंगे, 132846 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करेंगे. सो 2 6 12 2 6 12, 2 4 8, 2 2 4, 2 3 6, और पूरा ख़त्म होने के बाद अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो हमें लास्ट में लिखना है 0. सो ये हुआ हमारा आंसर. ये है हमारा आंसर, 132846 इंटू 5 का आंसर आएगा 664230. नेक्स्ट नंबर देखते, 46825 इंटू 5. हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 2 से. डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4. अभी यहाँ पे रिमाइंडर बचता है 1. हमेशा जब भी रिमाइंडर बचेगा, कुछ रिमेन रहेगा, मतलब डिवीजन पूरा नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे 0 लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे 5. सिंपल है. अगर कुछ भी नहीं बचता है तो हम लोग लिखेंगे 0. अगर रिमाइंडर इज 1, अगर एक रिमाइंडर बचता है तो हमें लिखना है एंड में 5. सिंपल है, बहुत ही आसान है. जब भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, जो कि बहुत कम समय में होता है. 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर नहीं बचता है तो एंड में लिखेंगे 0, और अगर रिमाइंडर बचता है तो एंड में लिखेंगे 5. होप आप समझ गए होंगे. तो दोस्तों, अभी हमने जो यूज़ किया ट्रिक, वो 5 के लिए था. अभी हम 11 के लिए यूज़ करेंगे. 11 के लिए और भी आसान है, बहुत ही आसान है. आप तुरंत समझ जाएंगे क्या करना है. 11 के लिए हमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, कोई डिवीजन नहीं करना है, हम लोग सीधा एडिशन करेंगे. एडिशन करके किसी भी नंबर को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैसे करते हैं देखिए, 13456 इंटू 11 हमें करना है. हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो डिजिट है वो एज इट इज़ लिखेंगे, 6. उसके बाद 6 प्लस 5 कितना है, 11. सो 5 6 प्लस 5 हो गया 11. एक लिखा यहाँ पे, एक लिखा. नाउ 5 प्लस 5 इज 10, तो 0 लिखा, यहाँ पे एक लिखा. सो 4 प्लस 4 इज 8, 3 प्लस 1 इज 4, एंड 1 प्लस नथिंग इज 1. सो हमारा आंसर आ गया 148016. फिर से देखिए, हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट एज इट इज लिखा, बाद में 5 प्लस 6 5 प्लस 4 4 प्लस 3 3 प्लस 1, एंड 1 प्लस नथिंग, दैट इज 1. सिंपल है. और एक करते हैं, हमें क्या करना है, लास्ट डिजिट है वो एज इट इज लिखना है. सो 1 एज इट इज लिखा, 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 6 इज 8, 6 प्लस 3 इज 9, 3 प्लस 4 इज 7, 4 प्लस 5 इज 9, और 5 प्लस नथिंग, दैट इज 5. सो दिस इज आवर आंसर. 11 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर से अगर 11 को मल्टीप्लाई करना है, ये छोटा सा ट्रिक हम यूज करेंगे. राइट साइड का नंबर एज इट इज लिखेंगे और बाकी सब नंबर को एक दूसरे से
ऐड करेंगे, सभी नंबर को एक दूसरे से ऐड करेंगे, लास्ट नंबर रहेगा जिसे ऐड करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो वो भी हम लोग एज इट इज लिखेंगे। होप कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। दो ट्रिक हम सीखे, एक 5 के लिए, एक 11 के लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही इजी लगेगा आपको, और बहुत ही कम समय में आप ये मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो 5 और 11 का। ऐसे ही नए नए ट्रिक देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।